नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। मोदी एक जहरीले सांप की तरह है वाले बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। आपको बता दें, खड़गे ने हावेरी में एक जनसभा में कहा था कि मोदी एक जहरीले सांप की तरह है। आप सोचेंगे कि जहर है या नहीं, लेकिन जैसे ही आप चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। उनके बयान पर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवे ने कहा, सोनिया गांधी ने भी मोदी को मौत का सौदागर कहा था। इस बयान के बाद गुजरात में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, ये सभी को पता है। विवाद बढ़ता देख खड़गे ने सफाई दी, कहा, मैंने मोदी को जहरीला सांप नहीं कहा, बल्कि उनकी विचारधारा की तुलना जहरीले सांप से की। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। सीएम बोम्मई बोले, खड़गे के मन में जहर। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि ये विष गांधी खानदान का है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि खड़गे के मन में जहर है, ये पीएम मोदी और बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित दिमाग है। यह सोच हताशा के कारण आती है, क्योंकि वो पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये शब्द भले ही खड़गे जी के हो, लेकिन ये आस्था, ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। ऐसी टिप्पणी से उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की हार पक्की है। खड़गे ने विवादित बयान देते हुए कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह है। अगर आप कहते हैं कि वह जहरीले नहीं है तो छू कर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छूएंगे तो मर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ये जहर नहीं है क्योंकि मोदी ने इसे दिया है, सज्जन प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इसे चाट कर देखिए। अगर आप इसे जहर को चाटेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी .com।